कि तुम्हारी बंदूक से अगर गोली निकलेगी तो हमारी बंदूक से पानी नहीं बहेगा। इसलिए साथियों, सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की, न्यायपालिका ने आदेश कर दिया कि अब 50% से ज्यादा दलित ओबीसी के लोग नहीं जा सकते। अगर कोई कुम्हार का बेटा, कश्यप का बेटा, प्रजापति का बेटा, राजभर का बेटा अगर आईएएस बन जाएगा और टॉप कर जाएगा तो उसको टॉप की सूची में नहीं रखा जाएगा। आपको मालूम है, उसको घसीट के उसके कोटे में लाया जाएगा और कहा जाएगा तुम अपनी हैसियत में रहो। क्या उससे कह दो, गांव तो तुम आओगे फूलन देवी के, लेकिन जाने की जिम्मेदारी हम तय करेंगे तुम कहां जाओगे। और हमने कह दिया, कह दो कि तुम्हारी बंदूक से अगर गोली निकलेगी तो हमारी बंदूक से पानी नहीं बहेगा। इसलिए साथियों, ये क्या कर रहे हैं, अन्याय पे अन्याय कर रहे हैं। हमारे आरक्षण को खत्म कर दिया और ये कह रहे हैं दलित पिछड़ों के हितैषी है। अरे हम पूछना चाहते हैं, कैसे हितैषी हो? आपने आरक्षण हमारा खत्म हो गया, आपका आरक्षण नहीं बचा, न दलित का बचा, न बैकवर्ड का बचा। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट से क्या करवा लिया इन्होंने, न्यायपालिका पे भी कब्जा इनका हो गया। न्यायपालिका में जब आरक्षण लागू नहीं, बैकवर्ड दलित है नहीं, तो इन्होंने न्यायपालिका पे भी कब्जा कर लिया। न्यायपालिका ने क्या आदेश कर दिया, सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की, न्यायपालिका ने आदेश कर दिया कि अब 50% से ज्यादा दलित ओबीसी के लोग नहीं जा सकते। अगर कोई कुम्हार का बेटा, कश्यप का बेटा, प्रजापति का बेटा, राजभर का बेटा अगर आईएएस बन जाएगा और टॉप कर जाएगा तो उसको टॉप की सूची में नहीं रखा जाएगा। आपको मालूम है, उसको घसीट के उसके कोटे में लाया जाएगा और कहा जाएगा तुम अपनी हैसियत में रहो, तुम समझो तुम बैकवर्ड हो, अपने बैकवर्ड कोटे में रहो। तो कोटा किसका हो गया? कोटा हमको कह दिया गया 50% से ज्यादा नहीं जा सकते, तो फिर 50% तो कोटा 15% लोगों का हो गया। ये बताइए, चिंता तो करो हमको, आपको बीजेपी गुमराह करेगी, कान घुमा के पकड़ेगी, आप समझ नहीं पाओगे, आपको लूट लेंगे, खत्म हो जाएगा आरक्षण। अब इन्होंने पता है, अब 15% लोगों का आरक्षण हो गया 60% और 85% लोगों का आरक्षण हो गया 40%। आपको मालूम है 10% उन्होंने सामान्य का कर लिया, 50% पहले से उन्होंने आरक्षित कर लिया। अब कोई दलित का बेटा टॉप नहीं कर सकता, अब टॉप नहीं कर सकता। इसलिए साथियों, समझदारी से काम लो। ये आरएसएस के लोग हैं, ये दिमाग से काम लेते हैं, ये आपको लूट लेंगे और एहसास नहीं होने देंगे। आपको मालूम है देश में क्या किया, पूरे देश के खजाने को लूट लिया नोटबंदी में, और बैंकों को मालामाल कर दिया और विदेश भेज दिया। और हमारे लोग राष्ट्रवाद में, अरे कौन सा राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रीय तिरंगे को अपने आरएसएस के कार्यालय पे नहीं लगाते थे वो राष्ट्रीय झंडा लेके चल रहे हैं। जो गांधी के हत्यारे हैं और उनकी सांसद कहती है गांधी राष्ट्रभक्त है, उसकी पूजा, अब वोट लेना है तो मोदी जी उसका माल्यार्पण करेंगे, दूसरी तरफ उसको गाली देंगे, गांधी को कहेंगे कि ये गोड से राष्ट्रभक्त था। ये बताइए, तो कभी चिंतन तो करो, जो आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं थे वो आज राष्ट्रभक्त बन रहे। जो ये लोग ऐसे लोग हैं, आपको मारेंगे भी, आपको बोलने भी नहीं देंगे, ऐसे लोग हैं। इनसे बदला लेने का केवल एक रास्ता है, इनकी सत्ता से इनको बेदखल कर दो। और जब तक आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।